5 मौतों के बाद जागा स्वास्थ्य विभाग। गांव इदौन में पशुओं को फैली कुट रोग की बीमारी। सीएमओ आगरा ने आशा व एनएम से मांगा स्पष्टीकरण। झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध होगी कार्रवाई। फतेहाबाद तहसील केंद्र से 18 किलोमीटर दूर यमुना की तलहटी में बसे इंदौन गांव में बीते 4 दिनों में 5 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें मुकेश कुमार की 10 सितंबर को, कपूरी देवी और गंगा देवी की 9 सितंबर को, नंदनी की 8 सितंबर को तथा सलोनी की 6 सितंबर को मौत हो चुकी है तथा बीमारी के कारण घर घर चरपाई बिछी हुई है। जानकारी होने पर जहां मंगलवार रात्रि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कैंप किया, वहीं बुधवार सुबह मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुकेश बस टीम के साथ गांव में पहुंचे और हालात का जायजा लिया, जहां लोगों की शिकायत पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध अभियान चलाने के आदेश दिए। वहीं गांव में फैली बीमारी को लेकर लापरवाही बरतने पर आशा व एनएम को स्पष्टीकरण देने को कहा तथा गांव के 5 लोगों को एसएन मेडिकल कॉलेज तथा जिला अस्पताल के लिए भेजा गया। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी कैलेश लोधी के द्वारा भी गांव में कैंप किया गया तथा दर्जनों पशुओं को दवा दी गई। गांव में लगभग 100 से 150 पशुओं को कुट रोग की बीमारी हो चुकी है, जिसके कारण काफी पशु बीमार हैं। क्या नाम है माता जी आपका? नाम है। कौन सा गाँव है ये? अच्छा, आप कब से परेशान है? क्या परेशानी है आपको? ज्यादा। क्या नाम है आपका? पप्पू। कौन से गांव के निवासी? इदौन। क्या घटना हुई आपके घर पे? इनको परेशानी थी, 2 दिन बुखार। क्या नाम है उनका? कपूरी देवी जी। क्या परेशानी थी? बुखार आया था 2 दिन। उनको दवा ववा दिलवाई गई? दवा दिलवाई थी। कहाँ दिलवाई थी? यहीं पर दिलवाई थी। खेला छापों से? खेला छापों। कब मृत्यु होगी उनकी? अभी 9 तारीख को। क्या नाम है आपका? मथुरी प्रसाद। कौन से गांव के निवासी? इदौन। सो ये यहाँ क्या घटना हुई है? ना, हमारा भतीजा खत्म हो गया। क्या परेशानी थी? बुखार आएगा 4-5-6 दिन थे। क्या नाम है उनका? मुकेश। अच्छा, कितने दिन से बीमार थे? बीमार कोई बीमार नहीं है, वैसे मतलब कमजोर हो गई, बुखार फुखार वैसे। अच्छा, उनको कहीं दवा दिलवाई थी क्या? दवा फवाई नहीं चली, डॉक्टर ने। दादा क्या नाम है आपका? बच्ची राम। कौन से गांव के निवासी? इदौन। अच्छा, क्या परेशानी है आपको और आपकी पत्नी को? पूरा मामला बताएं। परेशानी तो मुझे बहुत है भाई, मेरी डाल टूटी हुई है और मैं जो गाय मेरे घर से है उसको जो गाय बहुत लंबी परेशानी है और मैं जो गाय के पैसे के लिए मोहताज हूँ, भूमिहीन हूँ, पैसा कोई है नहीं, मैं इलाज कराऊँ तो कहाँ से कराऊँ। अच्छा जी। अब डॉक्टर लोग शाम को आए तो उन्होंने कहा कि चलो ले चलो, मैं पहुंचा दूंगा वहाँ। तो मेरे पास तो भाई कोई ऐसी पैसे वाली तो व्यवस्था है नहीं, मैं तो खाली हाथ बैठा हूँ, टूटी तक के लिए मोहताज हूँ। अच्छा, डॉक्टरों ने शाम को आए थे जो दवा दी? नहीं नहीं दी, नहीं दी साहब। कितने दिन से बीमार है? बीमार तो खैर कई साल है गई और मैं इनके मामले में बर्बाद हो गया बिल्कुल। 2-4 बीघा जमीन थी मेरे पास, वो भी मैंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतगीर है। कौन से गांव के निवासी? मैं गावी दोन का ही निवासी। अच्छा भैया, गांव में क्या बीमारी फैली हुई है, कितने लोगों की अभी तक मौत हो गई है, गांव में कितनी आबादी है, ये गांव फतेहाबाद से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? सर, मेरा गांव फतेहाबाद से 19-20 किलोमीटर है जी, और मेरे गांव में करीब 5,000 के लगभग जनसंख्या है। आज से 3 साल पहले 5,000 के करीब थी और करीब 4 डेट हो गए हैं, 2-3-4 दिन में, 3 दिन के अंदर। क्या बीमारी फैली हुई है उनको? यहाँ पर बुखार फैला हुआ है, 2-3 दिन बुखार आता है और आदमी खत्म हो जाता है। सर, कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम या कोई डॉक्टर वगैरह यहाँ है? सर, यहाँ पर अपने प्राइवेट हैं जो उनका सहारा लेते हैं और कोई सरकारी कोई सहारा नहीं मिलता है। कैजुअल्टी हुई है, कितनी ओपीडी हुई है और क्या मरीजों को आगरा शिफ्ट किया जा रहा है? इस गांव में मुझे परसों शाम पता चला था कि 4-5 डेथ हो गई है बुखार से, और जैसे ही मुझे पता चला उसी टाइम रात को ही मैंने यहाँ पे टीम भेजी और दवाइयाँ वगैरह बंटवाई हैं कैंप लगवा के। कल भी कैंप लगा और आज भी मैं यहाँ पे गाड़ी लेके आया हूँ, सब दवाइयाँ बांटी जाएंगी सबको और स्लाइड्स बनाई जाएंगी। कम से कम 100 मरीजों को अब तक दवाइयाँ दे चुके हैं
तो एक तो मैं यहाँ से आपके माध्यम से कहूँगा कि जनता को जो भी अगर बुखार की स्थिति है तो सरकारी अस्पताल में जाएं, अगर ज्यादा कोई तबीयत खराब है तो 108 नंबर बुलाएं, उससे आप सरकारी अस्पताल में पहुंच सकते हैं। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ की जो आशा है वो सरकारी की बजाय प्राइवेट में उनको शिफ्ट कर देती है, कैसा मामला? अगर मुझे ऐसा कुछ पता चलता है तो मैं लिख के भेजूंगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें आशा तो प्रधान के द्वारा ही रखी जाती है, तो उनको सस्पेंड किया जाएगा अगर इस तरह की आशा कोई है जो प्राइवेट अस्पताल में लेके जाती है, क्योंकि आज के टाइम पे सरकारी अस्पताल में लगभग सारी सुविधाएं हैं। और जो झोला छाप में अगर वो पैरास्टामोल या क्रोसिन टेबलेट बुखार के लिए देते हैं तब तो ठीक है, उससे ज्यादा कोई टेबलेट ना लें। अगर उससे ज्यादा टेबलेट की जरूरत पड़ती है बिल्कुल 100% सरकारी में ही जाएं। सर, झोला छापों के विरुद्ध कार्रवाई चलेगी? जो झोला छाप हैं वो कोर्टिकोस्टेरॉइड और इस तरह की दवाई देते हैं जिससे कि पेशेंट की स्थिति बिगड़ सकती है और फायदे की बजाय, तो जो भी झोला छापे यहाँ पे मैं उनके खिलाफ भी लिखूंगा, कार्रवाई टीम भेजूंगा, उनको भी बंद करूंगा। सर, यहाँ जो क्या है 8 दिन से बुखार का प्रकोप था गांव में, लेकिन ये अपने शामदार स्वास्थ्य केंद्र तक इसकी सूचना न तो ANM ने दी और न आशा ने दी, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, आशा और ANM को मैंने कहा है स्पष्टीकरण ले उनसे कि क्यों नहीं ये कार्रवाई इन्फॉर्मेशन आई हमारे तक, और प्रधान जो यहाँ पे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सभी प्रधानों से बल्कि, कि जो भी इस तरह की अगर डेथ होती है कोई, तो प्रधान जी की भी जिम्मेवारी है कि तुरंत वहाँ पे सरकारी अस्पताल में इन्फॉर्मेशन दें।